अहमद A1 फर्नीचर, जहां पर आपकी लाड़ी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम्स, शादी ब्याह के लिए मजबूत पायदार फर्नीचर सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के अलावा तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर आइटम आपका वेलकम करते हैं। अहमद A1 फर्नीचर और अहमद इलेक्ट्रॉनिक्स, अपोजिट शादान होटल, बल्लागुड़ा रोड, हाशिमाबाद, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जलपल्ली म्युनिसिपैलिटी के इलाके वार्ड नंबर 5 सुबान कॉलोनी में पीने के पानी की पाइपलाइन का काम और स्ट्रीट लाइट्स का काम किया जा रहा है। इस मौके पर सुबान कॉलोनी की आवाम ने वार्ड नंबर 5 के काउंसलर सैयद याहिया और एरिया सदर शेख गौस की गुलपोशी की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जनाब बहरे सरसद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर और हमारे जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी साहब और चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब की नुमाइंदगी पर मैंने आज दूर कॉलोनी सुबहान कॉलोनी 5 नंबर वार्ड का दौरा किया। यहाँ पर काफ़ी तकलीफ थी, कई दिन से लोगों का यहाँ पर इसरार था कि आइए, यहाँ पर बहुत सा मसला है, पानी का मसला है, खम्भों का मसला है, डेनी लेन का मसला है। बल्कि तकरीबन लोग से यहाँ पर ये लोग हमारे इंचार्ज अहमद सादी साहब के पास जा रहे थे, नुमाइंदगी कर रहे थे। आज उनकी नुमाइंदगी पे मैंने आज यहाँ पर आया, यहाँ का दौरा किया, यहाँ पर वाटर वर्क्स वालों को बुलाया, यहाँ पर बताया यहाँ पर पानी के मसले के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दो साइड से, बिस्मिल्लाह कॉलोनी की तरफ से और एक अपने फरात नगर की तरफ से भी, दो तरफ से भी लाइन्स यहाँ पर देके ये लोग को पानी की लाइन बिछाई जा रही है। यहाँ पर इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर पानी भी चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये लोग इसरार था कि यहाँ पर लाइटों का खंबा नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। मैंने इमीडिएटली AE साहब और DE साहब से नुमाइंदगी करके यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर और एक 8 से 10 खंबे सैंक्शन किए वायरिंग के साथ यहाँ पर, और लाइटों के लिए भी मैंने जलपल्ली इंचार्ज अहमद सादी साहब और चेयरमैन अब्दुल्ला सादी साहब से भी नुमाइंदगी कर यहाँ पर पोलों के लाइटों के लिए भी बुलाऊँ। इंशाल्लाह मंडे के दिन ये लोग के लाइटा भी यहाँ पर फिट करा दूंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं पब्लिक को काफ़ी खुशी है कि यहाँ पर ये लोग को पानी मिल गया। बोलते बहुत दिन से पानी के लिए ये लोग तरस रहे थे, बोरवेल के जरिए, मोटरों के जरिए यहाँ पर सप्लाई दिया जा रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट की तरफ से मीठा पानी यहाँ पर सप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। ये हफ्ते में यहाँ पर पानी सप्लाई भी होगा और ये लोग को कनेक्शन भी दिया जाएगा। मेरी पब्लिक से अदबन गुजारिश है कि वो अपने अपने DDs बन लेकर यहाँ पर ये लोग कनेक्शन ले ले, पानी इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर कंपलसरी कैसा भी चालू हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आप लोग DDs के लिए पीछे मत रहिए, आप लोग DDs बन लीजिए, मैं इमीडिएटली एक हफ्ते के अंदर आप लोगों के कनेक्शन करा दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह। हमारे एरिया में बहुत सहूलत हुए और थोड़े तकलीफ़ा हैं, वो तकलीफ़ा दूर हो गए तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। अब तो खुश है और थोड़े तकलीफ़ा दूर हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़े बहुत तकलीफ़ा हैं, बस उसको आप हटाइए, हम आपके साथ हैं, हमारी मदद कीजिए आप, हमारे को जो भी है मैडम करे, हम दूर से सुन के खुश है और थोड़े लोग बाकी है वो भी करो और बहुत बहुत खुशी मिल जाती है। टूर कॉलोनी से बोल रहे हैं यहाँ पर। ये टूर कॉलोनी में यहाँ पर सहूलत बिल्कुल नहीं थी पहले, अब याहिया भाई के वजह से हमारे को रोड बनी यहाँ पर और बोलते तो डेनी रोड बनी है और लाइट के खंभे वगैरह आए, जंक्शन आया और हमारे को बोलते तो पानी की बहुत तकलीफ है यहाँ पर, पानी का भी अब हो जा रहा है। यहाँ पर राशन मिला हमारे को, तकरीबन 200-300 आदमी को राशन मिला, हमारे को बहुत सहूलतें हुई कुछ ही दिन में और हम लोग उम्मीद करते हैं या भाई से गया और आगे अच्छे से हो। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।